क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने। इसमें क्या दिया अपन को, इन अ कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5:3, 5:3 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड, अच्छा कुछ गर्ल्स को ऐड करना है, तो सो दैट द रेशियो बिकम 6:5। अब देखिए अपन को पहले तो बात तो ये पता है कि गर्ल्स का रेशियो सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स बढ़ रही हैं, बॉयज़ तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले अपन नंबर ऑफ बॉयज़ को सेम बनाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 6 30 और 6 3 18, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 6 30। अब क्या हो गया, अपने बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो सेम हो गया। अब क्वेश्चन में एक बात गिवन है अपन को कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली कितने हैं, 48, और ये संख्या जोड़ने पर भी कितनी आ रही, 48, मतलब 48 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48। यहाँ से क्या आ गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1। अब कितना यूनिट चेंज हुआ है रेशियो में, तो रेशियो में चेंज हुआ है 5 और 2 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 में। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 बढ़ाने पड़ेंगे, जब ये रेशो कितना बन जाएगा, 6:5 बन जाएगा, ठीक है।